उपमंडल फतेहपुर के तहत पड़ते कस्बा रैहन के सिविल अस्पताल में अब मरीजों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिसका शुभारंभ शनिवार को विधानसभा फतेहपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने किया। इससे पूर्व उन्होंने बजीर राम राजकीय महाविद्यालय देहरी में प्रदेश महामंत्री भाजपा कृपाल परमार की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रतिमा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का विद्यार्थियों से आह्वान किया। उसको रिकमेंडेशन मिलती है और उसके बाद उसमें पद सृजित होते हैं और वो फंक्शनल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रहन का अस्पताल अब 50 बिस्तरों का अस्पताल हो गया है और आज 24/7 इसको शुभारंभ इसके संचालन के भी आदेश दे दिए गए हैं। हमारे पास नई और पुरानी बिल्डिंग पर्याप्त है जहां पर हम बेड्स लगा सकते हैं। नए डॉक्टर्स के आदेश इसी महीने होंगे, हम डॉक्टर्स भी भेजेंगे, स्टाफ नर्सिस भी भेजेंगे और अन्य जो स्टाफ है वो भी यहां पर हम भेजेंगे ताकि ये अस्पताल सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए और इस ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में बस ये अस्पताल जो है लोगों को बढ़िया हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध करवाए। थैंक यू सर, धन्यवाद।